हेलो एवरीवन, इससे पहले जो हमारी क्लास रही है इसके अंतर्गत हमने व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के विभिन्न एलिमेंट्स, व्यक्तित्व के प्रकार तथा व्यक्तित्व निर्धारण करने के लिए किन किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तथा कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है के बारे में डिस्कस किया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्यक्तित्व का जो डिटर्मिनिंग है या हम व्यक्तित्व का निर्धारण जो है वह किस प्रकार से करेंगे। तो व्यक्तित्व निर्धारण की जो विधियां हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व का निर्धारण। तो व्यक्तित्व के निर्धारण के अंतर्गत हम कई ऐसे फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो व्यक्तित्व का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से चलता है। तो जैसा कि आपकी स्लाइड पर देख पा रहे हैं, हम एक एक लाइन को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के निर्धारण में कुछ ऐसे कारकों यानी हम ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति का जो विकास है वो प्रभावित होता है, यानी व्यक्तित्व का विकास भी प्रभावित होता है और उन्हीं के आधार पर उसका व्यक्तित्व भी निर्धारित होता है। तो जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इन प्रकार सभी कारकों को दो भागों में डिवाइड किया है, यानी मूलतः इनको दो भागों में डिवाइड किया है जिनका संबंध यानी कुछ ऐसे कारक है जिनका संबंध व्यक्तित्व की आनुवांशिकता या जैविक प्रक्रियाओं से है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, वे फैक्टर्स व्यक्तित्व को अपने जन्म के साथ प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति अपने समाज से प्राप्त करता है, अपने इन्वायरमेंट से जो है वह उसे प्राप्त करता है। तो हम इन सभी प्रकार के कारकों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो व्यक्तित्व के वातावरण से प्राप्त होने वाले या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक और कुछ ऐसे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे जो व्यक्तित्व को या व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उसके समाज से बात करते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे कारक जैसे कि जन्म के बाद व्यक्ति किसी समाज या संस्कृति के वातावरण में पल पोस कर बड़ा होता है, अतः वातावरण से कुछ ऐसे कारक प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि हम उसको दो भागों में यानी जैविक या आनुवंशिक कारक और दूसरे जो कारक होंगे उनको हम कहेंगे पर्यावरणीय कारक। इन दो प्रकार के कारकों के अंदर हम इसको बांटेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा जैविक या आनुवांशिक कारक। अब जैविक या आनुवांशिक कारकों के बारे में हमने कहा कि ये जो कारक हैं व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। वे कारक जैसे कि आनुवांशिक होते हैं तथा जन्म से पहले से ही व्यक्तियों के अंतर्गत मौजूद होते हैं, यानी व्यक्ति का जो विकास होता है वह जायगोट की स्थिति में होता है या फिर वह एक भ्रूण अवस्था में होता है, तभी इस प्रकार के गुणों का विकास हो जाता है। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले या विकास को प्रभावित करते हैं जैसे कि उसकी जो शारीरिक संरचना है, तो शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, तो शारीरिक संरचना के अंतर्गत व्यक्तित्व के बाहरी स्वरूप, हमने व्यक्तित्व को पढ़ा था तो व्यक्तित्व के अंदर हमने पढ़ा था कि जो व्यक्तित्व होता है वह बाह्य रूप से भी व्यक्त होता है और व्यक्तित्व जब व्यवहार करता है यानी उसके आंतरिक भाव जो होते हैं वो जब व्यक्त होते हैं तब भी हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो जो शारीरिक संरचना है वो व्यक्तित्व के जो बाहरी जो स्वरूप है उस बाहरी स्वरूप के को बताता है और जो शारीरिक संरचना होती है वह व्यक्तित्व का बाहरी स्वरूप व्यक्तित्व विकास का प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक जो आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा वो काफी हष्टपुष्ट होगा, उसका शारीरिक विकास काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस प्रकार के आकर्षक व्यक्तित्व वाले यानी डील काठी के अंतर्गत जो काफी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं उनके आसपास जो है लोगों वो आकर्षण का केंद्र रहता है, लोग जो कह सकते हैं उनसे जुड़ने का प्रभाव करता है। इसी प्रकार से जैसे कि कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और विभिन्न गुणों से युक्त
तो छोटे कद के दुबले पतले व्यक्तित्व को उसकी शारीरिक संरचना और बनावट और आकर्षण न होने के कारण जो है अंधकी कही जाती है। हम ये नहीं कहते हैं कि जिस प्रकार से ये एक सामान्य सी बात है कि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि छोटे कद के जो व्यक्ति हैं, दुबले पतले व्यक्ति हैं, वो प्रतिभा संपन्न नहीं है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की जो झलक है, वो जो झलक है वह उसके शारीरिक गुणों के अंतर्गत नहीं नजर आ रही है, और इसी का दुष्परिणाम होगा कि उसे अच्छा व्यक्तित्व वाला नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से कुछ होंगे रासायनिक ग्रंथि के आधार पर, यानी जो ग्लैंड्स जो है, यानी हमारी जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के आधार पर भी व्यक्तित्व का जो विकास है या उसकी जो शारीरिक विशेषता है उसमें बदलाव आता है। जैसे कि हमारा जो नाड़ी तंत्र है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी ग्लैंड्स है, हमारा जो कलर है, हमारे अंदर जो हार्मोन्स या जो केमिकल्स पाए जाते हैं, वे हमारे व्यवहार के तरीकों और विशेषताओं को बहुत धीमा और अधिक प्रभावित करते हैं, या फिर तो धीमा प्रभावित कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत अधिक तेज गति से प्रभावित करते हैं, और उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे व्यक्तित्व का पड़ता है। और इसी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कुछ हम ग्रंथियों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वह हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उसके विकास, पहले तो हम कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है उसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर किस प्रकार से पड़ता है। तो पहले हम समझते हैं कि कहां पर, अब ये ग्रंथि कहां पर होती है, ये ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, और इस ग्रंथि के अग्रवर्ती यानी जो फ्रंट जो पोर्शन है उससे सोमाटोटोपिन या विकास हार्मोन्स जो है निकलते हैं, यानी डेवलपमेंट के हार्मोन्स निकलते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो लंबाई क्या होगी, हमारे जो मांसपेशियां है, हमारा जो मसल्स है वो किस प्रकार के होंगे, उनको प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उस पीयूष ग्रंथि का जो प्रभाव है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। इसी प्रकार से अन्य जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, जैसे कि हम एडिनल ग्रंथि की बात भी करेंगे, हम कंठ ग्रंथि यानी जो थायराइड है उसको बात करेंगे, हमारी जो सेक्स ग्लैंड्स हैं, इन सभी पर कह सकते हैं कि हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण रखते हैं, यानी ये जो पीयूष ग्रंथि है वह मास्टर ग्रंथि कही जाती है। अब मास्टर ग्रंथि क्यों कहती है, क्योंकि ये जो ग्रंथि है ये दूसरी जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का वर्क करती है, इसलिए जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। अगली स्लाइड के अंतर्गत देखते हैं कि ये जो ग्लैंड है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। तो हम ये कहां पर उसको हम लोकेट करते हैं, जैसे कि हमने पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ है, तो ये हमारा कह सकते हैं कि एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। इस एनाटॉमी स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखिएगा ये जो पार्ट है, यानी अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को जो यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये जो पार्ट है इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंतर्गत देखिएगा आपका इंटीरियर जो पिट्यूटरी किस प्रकार का होता है, बाहर से पिट्यूटरी किस प्रकार का दिखता है, और इसकी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और इंफिब्युलेडियम जो कह सकते हैं ओपिनचियम जो है इसके पार्ट है, और ये ग्रंथि जिस प्रकार से कहा है कि ये मास्टर ग्रंथि है, मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती है। इस ग्रंथि के अंतर्गत जो हार्मोन्स हैं उस हार्मोन्स के अधिक श्रावण से, यानी उसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसकी लंबाई या फिर उसकी चौड़ाई या फिर उसके अंतर्गत शारीरिक जो है या उसके व्यक्तित्व के जो गुण है वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट जो है वह ग्लैंड्स है आपका एड्रिनल। अब एड्रिनल जो ग्रंथि है कहां पर पाई जाती है, तो एड्रिनल ग्रंथि का जो पोर्शन है वो यहां पर देखिएगा, ये जो आपके लंग्स वाला जो एरिया है उसके ठीक ऊपर की तरफ जो आपको गोल्डन कलर वाले जो दिखते हैं वो जो है वह आपके कह सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि का नाम कहलाता है। तो इसका स्थान जो है वह रक्त माना जाता है। दो पार्ट है, एक तो बाहरी भाग जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सबसे अंदर का जो भाग होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। हमारा मैन जो है इंपॉर्टेंट, अब ये जो क्या है, क्या काम करता है, तो काम जो है कार्बोहाइड्रेट नमक जो कह सकते हैं कि उसका चयापचय जो है उसको नियंत्रित करते हैं, यानी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है उसको ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। कॉर्टेक्स द्वारा अगर सही कार्य नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व जो है वह थकान और आलस्य बढ़ जाता है, यानी कोई व्यक्ति जो है काफी ज्यादा थकान महसूस कर रहा है या आलस्य महसूस कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है कि एड्रिनल के अंदर का जो कॉर्टेक्स है वह कॉर्टेक्स जो है वह सही तरीके से कार्य नहीं करना है। तो एड्रिनल मेडुला, अब एड्रिनल मेडुला देखिए कि हमने इसको दो भागों में बांटा, एक तो है हमारा कॉर्टेक्स
और दूसरा जो है वह है आपका एडिनिन मेडुला। अब कॉर्टेक्स का कहा कि कॉर्टेक्स जो है अगर सही तरीके से वर्क नहीं करता तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि हम काफी आलसी हो जाएंगे। आलसी हो जाएंगे तो भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का एक गुण निर्धारण करता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है एडिनल मेडुला। अब एडिनल मेडुला में दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स में जैसे कि एपाइनफ्राइन और एडिनालिन तथा नारइपाई इनफ्राइन जो है या नॉर एडिनालिन जो नाम के जो हार्मोन्स निकलते हैं और दोनों को एक साथ कैटकॉल हार्मोन्स कहा जाता है। इनको कैटकॉल हार्मोन्स कहा जाता है। और इसी प्रकार से हमने कहा था कि जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स में से जो है वह हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम कार्टिन कहते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ये कार्टिन है और कार्टिन के साथ साथ यहाँ पर दूसरा जो हार्मोन है वह यानी पहला हार्मोन जो है कॉर्टिन, कॉर्टिन जो निकलता है वो कॉर्टेक्स से निकलता है। इसी प्रकार से एडिनल जो है एडिनल से जो निकलता है उसको कैटकॉल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसको ये जो हार्मोन्स है उसकी कह सकते हैं कि हमने कहा कि इसका बहुत ज्यादा अगर रिलीज होना या कम रिलीज होना जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से एडिनेलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से या आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि जितने भी हमारे इमोशंस है उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम बात करें छोटा सा एक उदाहरण कि हम कहीं जा रहे हैं और या खेत में जा रहे हैं या जंगल में खड़े हैं और एकदम से कह सकते हैं कि शेर आ जाए, तो शेर आते ही जैसे कि देखिएगा एक बार तो हमें बहुत कह सकते हैं कि एकदम हमारी सांसें फूल जाएगी और सांसें फूलने के बाद हम त्वरित निर्णय लेते हैं और भागने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि उससे बचने का प्रयास हमें मिले या फिर हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से उस स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो एडिनल ग्रंथि का रहता है। तो इस प्रकार से एडिनल जो ग्रंथि है वह भी हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक गुणों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका थायराइड। अब थायराइड जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारा गला, देखिए यहाँ हम लिप से स्टार्ट करते हैं, लिप से ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कह सकते हैं कि थायराइड या हम कह सकते हैं ये आपकी कंठ ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। कंठ के आसपास ये पाई जाती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं और इसका जो प्रभाव है शरीर की जो चयापचय यानी इसका भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में बोनापन, अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो है हार्मोन्स से है उसमें कमी के कारण इस प्रकार का रोग हुआ है। इसके अलावा कह सकते हैं कि अगर कह सकते हैं कि हमारे हार्ट बीट है, हमारा रेस्पिरेशन जो स्पीड है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, इस पर भी जो है इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भी जो है ग्रंथि जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है उपकरंठ, इसे पैराथायराइड के नाम से जाना जाता है। थायराइड और थायराइड के साथ ही पैराग्लैंड, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को हम कहते हैं, ये तो हो गया हमारा थायराइड। अब थायराइड के साथ ही देखिएगा ये जो डॉट लगे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स है उसको हम पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड और थायराइड के साथ ही हो गई ये आपका पैराथायराइड। तो उपकंठ ग्रंथि जिसे कहा जाता है ये कंठ ग्रंथि के बगल में होता है, आकार में बहुत ही छोटी होती है, जिसका वजन 0.1 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। जो हार्मोन्स निकलते हैं उसे पैराथायरॉइड हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जो वर्क करते हैं हमारा जो ब्लड है उस ब्लड के अंतर्गत कैल्शियम फॉस्फेट की क्या क्वांटिटी रहेगी इसको ये डिसाइड करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ऐसी व्यक्ति में कह सकते हैं शिथिलता बढ़ जाती है, काफी ज्यादा कमजोर या फिर कह सकते हैं कि वो थकावट जो है महसूस करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथि है वह भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज कहाँ है, तो पैंक्रियाज की जो स्थिति है हमारे शरीर में यहाँ पर होती है और कुछ इस प्रकार से ये पैंक्रियाज का यहाँ पर एनाटॉमी आपको देखने को मिलता है। अब इसका क्या प्रभाव होता है हम साइकोलॉजी के अंतर्गत ये देखते हैं। तो पैंक्रियाज जो है आमाशय के नीचे देखने को मिलता है। दो तरह के हार्मोन्स इसमें से निकलता है, एक तो है इंसुलिन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसुलिन क्या होता है, जो शर्करा यानी जो शुगर पेशेंट है वो इसका यूज करते हैं। दूसरा जो है हार्मोन निकलता है वो है ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन जो है रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारा ब्लड है उस ब्लड के अंतर्गत जो शर्करा की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वह करता है।
इंसुलिन, और इंसुलिन की अगर कमी है, इंसुलिन की कमी है तो ऐसी स्थिति में शुगर की बीमारी। अब शुगर की बीमारी कैसे होगी कि जो इंसुलिन जो होता है वह हमारे ब्लड के अंतर्गत जो है शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की हमारे यहाँ पर कमी हो गई तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड के अंतर्गत जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में जो है हमें शुगर या शर्करा मधुमेह जैसी समस्या देखने को मिलती है। और ऐसी स्थिति में आपको पता है कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन है लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्नायु सिस्टम, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी आप यहाँ पर देख पाए हैं। व्यक्तित्व के निर्धारण में जैविक निर्धारकों, हम देखिएगा हम पढ़ के आ रहे हैं जैविक निर्धारक, यानी जो शारीरिक रूप से हमारे शरीर के अंतर्गत जो विशेषताएं पाई जाती है, जो हम जन्म के साथ लेकर उत्पन्न होते हैं, उनके कारण हमारी जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई काफ़ी मोटा है, कोई कह सकते हैं बिल्कुल नाटा है, कोई कह सकते हैं कि बड़े सिर वाला है, किसी का गला बड़ा है, ये सारी जो विशेषता है वो हमारी जैविक व्यक्तित्व या जैविक व्यक्तित्व की जैविक गुणों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो जिन व्यक्तियों के अंतर्गत जो स्नायुमंडल यानी जो नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, ऐसी स्थिति में बुद्धि काफ़ी तेज होती है और वे काफ़ी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी कह सकते हैं आसानी से एडजस्टमेंट बिठा देते हैं। इसका अर्थ यह विपरीत परिस्थितियों का, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है और अगर आपको कह सकते हैं कि काफ़ी एक बड़े हिल स्टेशन पर लेकर जाया जाता है, तो हिल स्टेशन पर जाकर आप कह सकते हैं अपने आप को आसानी से आपका जो शरीर है वो अपने आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। नहीं तो अगर कह सकते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम सही नहीं है तो हमें ब्लड प्रेशर या फिर कह सकते हैं हार्ट जो बीट है वो काफ़ी तेज़ या कम होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहता है। तो जिन व्यक्तियों के अंतर्गत जो है नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है वे काफ़ी मंद बुद्धि यानी आपको कम बुद्धि वाले, असामाजिक तथा चरित्र विकृति वाले देखने को मिलते हैं। यानी अगर इस प्रकार की ग्रंथि का विकास नहीं हो पाता है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। तो ये सब विशेषताएं जो हैं हमारे यहाँ पर व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये तो हुए जैविक कारक। अब जैविक कारकों के अंतर्गत दूसरा जो है दूसरा कारक, जैसे कि अगर हम व्यक्तित्व के निर्धारकों का हमने बात की तो हम इसको कह सकते हैं कि जैविक कारक, पर्यावरण कारक, फिर हम सामाजिक कारकों के अंतर्गत रखेंगे। तो पर्यावरण कारक है उसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो पर्यावरण कारक कौन कौन से हैं? एक वे कारक जो कह सकते हैं कि हमें जो प्राप्त होते हैं समाज से, तो समाज के अंतर्गत रहते हुए हमें जो कारक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक कारक कहते हैं। हमारी कल्चर से रिलेटेड जो कारक हैं और दूसरे जो है इकोनॉमिक कारक हैं वह भी। अब ये क्या होते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, यानी हमारा जो माइंड है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अंतर्गत कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर उस व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारे रिलीजन की झलक देखने को मिलती है, हमारा कल्चर देखने को मिलते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ ऐसे गण जो कि हम हेरिडिटी से प्राप्त करते हैं यानी वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं, और कुछ जो है हम ब्रेन की डेवलपमेंट के कारण प्राप्त करते हैं। तो ये सब विशेषताएं हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सामाजिक कारक, अब सामाजिक कारक के अंतर्गत जो है हम किन किन को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सामाजिक कारकों में हम निम्न कारकों को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि हम कौन कौन से कारक हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो है वह है सामाजिक कारकों के अंतर्गत हम माता पिता, परिवार के सदस्यों की बांध, यानी आपके माता पिता किस प्रकार के संबंध है या आपके माता पिता का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, जैसे कि कहते हैं कि ये अपनी माँ पर गया है या पिता पर गया है या फिर हमने दादा दादी पर गया है, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं हम वहाँ पर नोटिस करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से फिर है आपसी संबंध। आपसी संबंध का होता है कि परिवार के जो सदस्य हैं उन परिवार के सदस्यों में किस प्रकार के संबंध हैं, वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार के रिलेशंस रखते हैं, ये भी जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जन्मक्रम। अब जन्मक्रम का धारण इस प्रकार से कि जो साइकोलॉजी कहता है कि साइकोलॉजी की जो परिवार के अंतर्गत जो है सबसे पहला जो बालक जन्म लेता है उसकी अपेक्षा दूसरा जो बालक होता है उसके अंतर्गत व्यक्तित्व के गुणों का विकास काफी अधिक होता है। उसके पीछे कारण है कि जो पहला बालक है उसको सीखने के मौके नहीं मिलते, लेकिन जो क्रम जन्म क्रम में, जैसे कि अगर किसी माता पिता के दो संतान हैं तो पहली जो संतान होगी वो ज़्यादा होशियार नहीं होगी, लेकिन दूसरी जो संतान होगी वो होशियार होगी, उसमें पर्सनैलिटी का जो विकास है वो काफ़ी अच्छी गति से होगा। इसी प्रकार से स्कूल, आपका जो स्कूल है, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पर आपका जो पीयर ग्रुप है जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, ये सब विशेषताएँ हैं, ये भी जो है आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। आपके आस पड़ोस, आप किस लोगों या किस प्रकार के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं,
इसका भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। और है फिर है सामाजिक स्वीकृति, कि आपको कितनी सामाजिक स्वीकृति मिलती है, यानी आपका जो समाज है वह आपको किस प्रकार के फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाता है, वह भी कह सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है या आपके व्यक्तित्व के अंदर निखार लाने का प्रयास करता है। तो ये जो है सामाजिक कारक, यानी हमने सबसे पहले जो जैविक कारक पढ़े, तो जैविक कारक जो है वह हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वह हम जन्म से प्राप्त करते हैं, या हमारे अंदर जो हमारी जो ग्लैंड्स हैं, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके माध्यम से हम उस प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। सामाजिक कारक ये सारे का सारा जो है हम आस पड़ोस या हमारे हमारा जो वातावरण है आसपास का, उससे हम इस प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं आगे सबसे पहले, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति का। अब सांस्कृतिक कारक जो है उसके अंतर्गत देखिएगा, व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति का भी योगदान रहता है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है, यानी एक छोटे अर्थ में इसको नहीं डिफाइन किया जा सकता है, जिसका अर्थ, क्योंकि संस्कृति जो है वो मॉडिफाइड और इनहेंस होती रहती है, इसमें लगातार चेंज होते रहते हैं, जिसका अर्थ जो है समाज के रीति रिवाज, यानी उसके समाज के रिचुअल्स, उसकी हैबिट्स, उसकी परंपराएं, उसका रहन सहन का तरीका, तौर तरीके, ये सारे के सारे जो है संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है जो व्यक्तित्व को या व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, यानी उसकी संस्कृति, जैसे कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, आपकी फूड हैबिट्स क्या है, दूसरे के साथ आपका किस प्रकार का बिहेवियर है, ये सब चीजें जो है वह आपके सोशल फैक्टर्स हैं, उसके द्वारा डिसाइड होते हैं। संस्कृति से व्यक्तित्व के व्यवहार तथा व्यक्तित्व के प्रभाव पूर्ण परिवर्तन से है, यानी संस्कृति से व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व में प्रभाव पूर्ण परिवर्तन होते रहता है, यानी इसके अंतर्गत चेंज रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के अंतर्गत देखिएगा वैल्यूज है, प्रैक्टिसेस है, नॉर्म्स है, अब ये इसका जो इफेक्ट रहता है, अब ये जो पर्सनैलिटी के अंतर्गत हम वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स को डील करते हैं, लेकिन इस पर जो प्रभाव रहता है कि वैल्यूज और प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स जो होंगे वो उसको डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका रिलीजन, आप किस धर्म के हैं, आपका इतिहास क्या रहा, आप किस प्रदेश के अंतर्गत रहते हैं, आपके एथनिक ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, आपका शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है, आप किस भाषा के बोलने वाले हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब जो है ये आपके सांस्कृतिक कारकों का निर्धारण करेंगे। यानी जब कह सकते हैं पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो पर्सनैलिटी के अंतर्गत हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं, और इन चीज़ों पर जो प्रभाव रहता है वह धर्म, इतिहास, प्रदेश, शिक्षा, भाषा और आपकी आर्थिक स्थिति का जो प्रभाव है इन सभी पर पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वह है आर्थिक कारक, यानी व्यक्तित्व को डिसाइड करने वाले जो इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं, कि आपके आर्थिक स्थिति क्या है। शील गुणों, जैसे कि आरबी कैटल की बात करते हैं, उसने एक 16 फैक्टर का एक कह सकते हैं सूची बनाई थी, उसके आधार पर कह सकते हैं कि उसको शील गुण कह सकते हैं, कि हमारे अंदर जो है जो ट्रेट्स पाए जाते हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो या हमारे व्यक्तित्व का जो निर्धारक तत्व है उसके अंतर्गत हमारे परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है ये काफ़ी हद तक आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है सही, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व का विकास और शील गुणों के निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और व्यक्तित्व में कुसमझ नहीं है, मलाज एडजस्टमेंट की जो स्थिति है वो आपको देखने को मिल सकती है। और आर्थिक स्थिति अगर आपकी काफी अनुकूल रही, तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्तित्व के गुणों का विकास है वो काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा, यानी आप कितने वेल्दी है इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार इसके विपरीत प्रभाव परिणाम भी देखने को मिलता है, यानी कोई जो है गरीब परिवार से बिलोंग रखता है लेकिन जो है उसमें अच्छी तरीके से व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी जो है उसके शारीरिक गुणों, जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें कह सकते हैं कि बचपन में आर्थिक सुविधाएं काफी अच्छी नहीं मिली, तो आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ नहीं होने के कारण उसके खान पान में, उसके या फिर उस माँ के गर्भ में जब था तो उसको पर्याप्त पोषण न मिला हो, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वहां पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करने में आर्थिक कारणों का भी योगदान रहता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्तित्व के जो निर्धारक तत्व है उनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ जैविकीय कारण है, जैविकीय कारणों के बाद यानी हम वैनली उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो जैविक कारक है जो हम जन्म के साथ लेकर उत्पन्न, इसके अंतर्गत हमारी जो ग्लैंड्स है वो प्रभावित करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर भी कैसा होगा तथा हमारी जो शारीरिक विशेषताएं होगी वह किस प्रकार की होगी। ऐसी स्थिति में दूसरा जो है वह है हमारा सामाजिक
और जो सोशल फैक्टर है उसके अंतर्गत हमने इकोनॉमिक फैक्टर कल्चर फैक्टर को डिस्कस किया। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो कारक हैं वह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही।